रहमान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों का सवाल है कि टूना जो है अरबन कंट्रीज में बहुत खाई जाती है। लाइट में ये लिए गुड्डी की टूना, गुड्डी की टूना, लाइट मीट टूना ली है। और ये रेड बॉक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर स्पाइसेस थोड़ी ज़्यादा पड़ी हुई, तो ये ली है। तो लोगों का सवाल है कि लाइट मीट टूना यहाँ पे अक्सर व बेशतर सैंडविच बनाने वाले कच्ची डालते हैं, यानी टिन खोलते हैं और डाल देते हैं, तो हमसे खाई नहीं जाती। आप ज़रा सा बताएं कि इसको किस तरह खाया जाए, किस तरह पकाया जाए। मैंने उसके लिए हैंड ग्राइंड अपना चॉपर लिया है। आप चाहे मशीन से करें, चाहे हाथ से भी कर सकते हैं, छुरी से भी कर सकते हैं। उसके अंदर ये दो लाल मिर्चें दो डालूंगा, क्योंकि मैं तेज़ बनाऊंगा इसको मैं, या एक डालूंगा, एक से दो डालूंगा। और एक अदरक का टुकड़ा छोटा सा लिया है, यह अदरक का टुकड़ा डालूंगा। तीन मैंने वहाँ के अपने गार्लिक के लिए, क्या बोलते हैं, लहसुन के लिए, और थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना लिया, चार पत्ते पुदीने के लिए सूखे हुए। उसके अलावा जो चीज़ पड़ेगी वो पड़ेगा टमाटर, मैंने एक टमाटर लिया है, ये तकरीबन आधा या एक पूरा पड़ जाएगा। और प्याज लिए, आप चाहे ये प्याज इस्तेमाल करें हरी वाली, चाहे अपनी प्याज जो आम प्याज है वो क्वार्टर से इस्तेमाल करें। और पड़ेगा इसके अंदर जी हरा धनिया, तो हरा धनिया मेरे बैग के अंदर होता है, मैंने बैग के अंदर रख दिया, तो हरा धनिया इसके ऊपर हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे। नमक पड़ेगा, नमक चाहिए होगा। तेल जो है आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे ओलिव ऑयल हो, चाहे खाने का तेल हो, कोई शम्स ऑयल हो, या कोई और जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कीजिएगा। हम इसकी तैयारी करते हैं। मैं चॉपर के अंदर, ये हैंड चॉपर है, बहुत अच्छा है, चॉप करता है बारीक बारीक, तो इसको मैं कर बनाता हूँ, चॉपर में सारी चीज़ें डालता हूँ। हम हैंड चॉपर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक लाल मिर्च चॉप कर देगी ये इसको और बारीक चॉप कर देगा। आप चाहे चॉपर में करें, चाहे ग्राइंडर के जग के अंदर करें, चाहे हाथ से करें, और मेरे ख्याल एक ही मिर्च काफ़ी है। और अदरक का टुकड़ा एक, उसको भी बारीक कर दिया मैंने ताकि आसानी से वो हो जाए। और लहसुन को भी हम बारीक बारीक काट देंगे ताकि आसानी से चॉप हो जाए। यूँ समझिए कि प्याज भी इस तरह मैं इसको चॉप करके इसके अंदर डाल देता हूँ। यूँ समझिए कि धनिया के अलावा तमाम चीज़ें इसके अंदर मैं बारीक चॉप करूँगा। प्याज छोटे 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 टुकड़े काट के, प्याज आप चाहे तो आम प्याज इस्तेमाल करें, आप चाहे तो हरी प्याज के निचला हिस्सा इस्तेमाल करें। इसी तरह टमाटर, टमाटर तकरीबन आधा या एक, बड़ा है तो आधा और छोटा है तो एक एक इस्तेमाल कीजिएगा। इसको भी हम टुकड़े करके डालते हैं और अपनी हैंड ग्राइंडिंग मशीन से, हैंड चॉपिंग मशीन से मैं चॉप करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मसालों में हम कोई मसाला इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा चुटकी भर डालना है, मैंने उंगलियों पे लेके थोड़ा सा चुटका, क्वार्टर चाय के चम्मच से भी कम डालेंगे। और आखिर में हम थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे, लेकिन वो बर्तन के अंदर डालूंगा, वरना ये मेरा चॉपर जो है येलो हो जाएगा, इसका रंग आ जाएगा, इसलिए मैं इसको बदल। अब इसको चॉप करके आपको दिखाता हूँ और शुरू करता हूँ। मैंने हैंड चॉपर में सारी चीज़ें डाल दी और इसको चॉप कर दिया, काफ़ी है ये, ज़्यादा नहीं चलाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये मोटा मोटा सा चॉप कर दिया। अब इसको अपने बर्तन की तरफ ले चलते हैं और आपको मैं पका के दिखाऊँ कि किस तरह बनती है टूना। हमने बर्तन रख दिया और तेल जो आप चाहे, मैं ये ऑयल इस्तेमाल करूँ, आप जो मर्ज़ी है, चाहे खाने का तेल, बटर या ऑलिव ऑयल, जो आपकी मर्ज़ी है आप कीजिएगा, जो आप यूज़ करते हैं यूज़ कीजिएगा। ये खाने के चम्मच से थोड़ा सा बड़ा चम्मच है, एक चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल ले लिया। और ये गर्म होते ही हम अपना चॉप किया हुआ मटेरियल इसके अंदर डालते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका और चॉप किया हुआ जो मटेरियल था हमारा अंदर, उसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे।
जबरदस्त, इसको ही थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर दिखाते हैं। हमारा मसाला तकरीबन सेमी जो है पत्ती का तेल छोड़ने वाला है। यूँ ही तेल छोड़ेगा, पहली बात हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने ब्याह से डालिएगा, कॉटन मैंने चम्मच चाय का या आधे चाय का चम्मच डाल दिया होगा, कॉटन चाय का चम्मच होगा, आप भी अपने ब्याह से डालिएगा। जूँ ही हमारा मसाला भून जाए, मसाला भूनते ही सॉरी मसाले की खेत उठ रही है, मसाला भूनते ही ये सब काम जो है लो आंच पे करना है। मीडियम पे पहले करें और उसके बाद अब लो पे चला गया। अब मैंने टूना का जो है टिन जो है खोल लिया है, और ज़बरदस्त है, देखने में खूबसूरत है, खाने में बहुत मज़ेदार होती है। अब लोगों से नहीं, हमसे नहीं खाई जाती है, नहीं खाने यहाँ के बच्चे जो है वो तो सब खोलते हैं टिन और शुरू हो जाते हैं खाते, हम लोगों से नहीं खाई जाती, तो उस तरह हम इसको इसके मज़े को डेवलप कर सकते हैं। ये सवाल था एक भाई का, और भी लोगों का सवाल था, भाई का नाम तो इसलिए लिया कि वो मेरे करीबी दोस्त हैं। याद रहे टूना, गुड्डी की टूना मैंने ली थी और स्पाइसी वाली ली थी, ये टूना ली थी गुड्डी की स्पाइसी वाली, और हमारा ये टूना 2 मिनट 1 मिनट के बाद ही आ, ये 1 मिनट के बाद ये तैयार। हम जब तक इसके ऊपर धनिया डालने की गार्निश करने की तैयारी करते हैं, मैं निकालता हूँ गार्निश के लिए धनिया, और धनिये को मैंने कागज़ की थैली में रखा और फ्रिज में रखा था ताकि सूखे नहीं जाए। पुदीना तो मैं सुखा देता हूँ, तरकीब पुदीने सुखाने की ये है कि कोई भी कागज़ की थैली में आप पुदीने को जो है डाल के किचन के किसी कोने पे रख दें, वो सूख जाएगा, फिर उसका पाउडर बना लें, उसको झाड़ लें, और झाड़ने के बाद पाउडर बनाने के बाद आप उसको अपने कॉटन में रखें और उसके पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब ये हमारी टूना तैयार हो गई, ज़बरदस्त है, आपको नज़र ही आ रही होगी, खूबसूरत है, खाने में टेस्ट कर देख कर खा के मैं बताऊँगा। मैंने इसलिए नाश्ता करना जो मैंने नाश्ते के लिए किया, टूना ज़बरदस्त तैयार उसकी, मैं ज़रा सा चख लूँ नमक वगैरह, और आखिर में इसके अंदर मैं थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा नींबू कटता हूँ ताकि इसका मज़ा जो है दुबला हो जाए। नींबू ऑप्शनल आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करें कच्चा दीजिएगा। माशाल्लाह तबारक बड़ा ज़बरदस्त होंगे, ज़बरदस्त, थोड़ी सी नमक की कमी है, नमक ऐड कर देंगे, हमेशा चीज़ें चेक कर लिया करें, टेस्ट कर लिया करें। अब ये तेल छोड़ने में आया हुआ, और तेल छोड़ते ही ये हमारी टूना तैयार, हम हाथ की चपाती घर की बनी हुई से ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता करेंगे, और आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मक्के की तैयारी है, अभी सेकंड डोज नहीं लगी है, जिस तरह सेकंड डोज लगेगी यहाँ पर बड़ा अच्छा सिस्टम है, वो कंप्यूटर पे उस पर डाल देते हैं, ऑनलाइन डाल देते हैं, तो हमारे मोबाइल पे आ जाता है, और आने के बाद हमें इसकी बुकिंग करानी पड़ती है, बाकायदा स्लॉट उसका भरते हैं मक्के का, फिर वो टाइमिंग देते हैं कि इतने बजे आप आएँगे, उसके बाद में और उम्र करेंगे, अल्लाह इबादत करेंगे, आपके लिए दुआएं मांगेंगे, और आप मेरे लिए दुआएं मांगें कि अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमाए। मदीने का ट्रिप बड़ा ज़बरदस्त था, आपने देख ही लिया होगा, मैंने कभी यूट्यूब पे तस्वीरें नहीं डाली मदीने मक्के की, मेरे पर्सनल चैनल पे है जही रहमत शेख, मैंने यूट्यूब पे भी डाल दी ताकि मेरे दोस्त हैं तमाम देख के मेरे लिए दुआ करें। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है दुआओं में याद रखेंगे, सब्सक्राइब और लाइक तो बनते ही आप कीजिएगा।